संपदा और कला संस्कृति के लिए जाना जाता है। और अगर मैं एक शब्द में कोई ऐसा नाम कहूँ जो झारखंड की कला और संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है तो वो है पद्मश्री मुकुंद नायक जी। और आज हमारे साथ इस खास बातचीत में मौजूद हैं समाचार प्लस के स्टूडियो में पद्मश्री मुकुंद नायक जी। तो सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार समाचार प्लस के तमाम श्रोताओं को हमारी ओर से बहुत बहुत हार्दिक जोहार और नमस्कार। सर, जैसा कि हमने कहा और सभी जानते भी हैं कि जो झारखंड का कल्चर है, आर्ट है, उसको आप कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं कल्चर को और प्रेजेंट सिनेरियो से लेकर इसकी बात करें, जो आज के युवा हैं या खास करके जो आदिवासी युवा हैं वो इसे कैसे लेते हैं और इसे कैसे लेना चाहिए? जब हम झारखंड की यहाँ की सांस्कृतिक चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है अपने स्मृति को 20-25 साल पहले ले जाना होगा। तभी एक सही सांस्कृतिक सामाजिक वातावरण दिखेगा। दिन ब दिन चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन पहले हम क्या थे, हमारा गांव घर कैसा था, हमारा प्रकृति, हमारी संस्कृति कैसी थी, इस संदर्भ में हम एक दो कड़ी कहना चाहते हैं। पहले कर गांव रहे कतना सुंदर कतना सुंदर, ये भाई हंसी खुशी करत रहा जीवन बहसहर रहे कतना सुंदर रहे कतना सुंदर। कितना सुंदर था हमारा वो जनजीवन और प्रकृति कैसी थी। वन पहाड़ देखी मनहरिया मनहरिया, ये भाई अनाधन भरल रहे घर बहर रहे कताना सुंदर रहे कताना सुंदर, ये भाई अनाधन भरल रहे घर बाहर रहे कताना सुंदर रहे कताना सुंदर। और हमारे लोग सुबह से शाम तक हर पूरी पूजा भार के कल्याण हरवाई चरवाई करते थे, लेकिन शाम को जब लौटते थे तो एक साथ अखाड़े में गए। अभी एक चिंता का विषय है कि जैसे आपने कहा झारखंड यहाँ की खनिज खदान के लिए, यहाँ की संस्कृति जो छवि है उसके लिए देश और दुनिया में जाना जाता है, लेकिन विकास के दौर में आज ग्लोबलाइजेशन के चलते बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। और जिस तरह के हम बोल रहे थे अखाड़ा संस्कृति की बात, यहाँ की लोक संस्कृति की बात, जनजातीय संस्कृति की बात, तो वो समय की थी जब विशुद्ध रूप से कृषि में लोग आधारित थे, लेकिन समय बदल रहा है। अब बहुत बड़ा सवाल चिन्ह हमारे बीच में है कि हम किस तरह से इस शैली को संरक्षित कर सकेंगे और कैसे नए पीढ़ी में ट्रांसफर करेंगे। मुझे लगता है कि इसके लिए मैं तो जितना बन सक रहा है अपनी ओर से कर ही रहा हूँ, लेकिन संस्कृति अकेले की चीज़ नहीं है। कष्ट हो रहा है इसलिए कि आजकल तो हमारे साथ जो बच्चे जुट रहे हैं, विशेषकर हम गांव में तो करते थे, गांव में भी कर रहे हैं, लेकिन शहर में इस काम को करने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए कि भाषा भी लोग ठीक से नहीं जानते हैं और संगीत तो उसके बाद की चीज़ है। कष्ट तो हो रहा है लेकिन आकर्षण है, लोग टोटली डिस्कनेक्टेड नहीं हैं। मुझे लगता अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर चाहें तो हमको आप सबों का शुभकामना हो, सहयोग हो,
अच्छा नाम दिया जा सके। एड़ी पोयारिया एड़ी पोयारिया मोर सायरंगिया भाला सायरंगिया जी का झोरी देल झोरी देले मधुबना में ओ छोट देवारा अरे मोर नान देवारा जी का झोरी देले मधुबना में ओ छोट देवारा रे भाई नान देवारा जी का झोरी देले मधुबना में। ये थी हमारी आज की एक खास बातचीत पद्मश्री मुकुंद नायक जी के साथ, जिन्होंने कहा भी कि जो संस्कृति है वो कोई एक इंसान लेकर के आगे नहीं जा सकता, लोगों को इससे जुड़ने की ज़रूरत है, जुड़ने ज़्यादा है इससे समझने की ज़रूरत है, तभी शायद उनमें इसका इंटरेस्ट आएगा और वो इसको आगे लेकर के जाएंगे। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।